आज के दिन मैं कहीं और होती। मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कोरोना के लिए। मैंने आप देखो अम्मी इसको बेल रही है इतना। रमजान आ गया है कि बट अब तो हम नेचुरल आएंगे। मैंने कितनी बार वीडियो शुरू कर लिया लेकिन बार बार कोई ना कुछ कुछ करे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है थर्सडे और रमज़ान मुबारक हो आप सबको। रमज़ान का आज 16वां रोज़ा था, हो गया कंप्लीट। ईशा की अजान और नमाज हो चुकी, 10:30 बज रहे, बहुत देर हो गई। तो मैं फ्राइडे का एक ब्लॉग शूट करूँगी मैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरी बहन मुझे करने नहीं देती। इन्हें देखो, एक और बच्ची है वहाँ कोने में। तो मैं एक फ्राइडे का एक ब्लॉग शूट करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। ये ब्लॉग मैं पिछले हफ्ते करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि एक हफ्ते में बहुत ही बुरी खबरें आ रही थी। हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरी खुद की भी तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे लंग्स में सूजन आ गई, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। ये रही उसकी रिपोर्ट, जो कि मैं अभी डॉक्टर से दवाई लेकर आई हूँ अपनी भी। मुझे अभी भी दर्द हो रहा है बहुत ज़ोर से। तो मैं कल का जुम्मे का पूरा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पता नहीं ज़िंदगी कितनी है, अल्लाह ने कितनी दी है। ये देखो ये क्या हो रहा है, अल्लाह ने पता नहीं कितनी ज़िंदगी दी है, हम भी रहें ना रहें। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट करूँगी मैं। अल्लाह पाक हम सबको इस बीमारी से निजात दिलाए, आमीन बोलो। आमीन आमीन। तो मैं एक ब्लॉग शूट करूँगी कल जुम्मे का, सहरी दिखाऊंगी आप लोगों को, इफ्तार दिखाऊंगी अपने घर का कैसा होता है। वैसे सबका सेम ही होता है, ऐसा कोई स्पेशल तो होता नहीं घर पे, पर फिर भी इसे देखो, इसे देखो। दुआ कर लो ना, अभी दुआ करो, दुआ करो। ये दुआ है, आइज बताना कहाँ है, इतराने के लिए किसने कहा है, इतराती है बस। ये हिम्मत है हमारे घर की। और ये भी तो अल्लाह को ही पता है कि अल्लाह किसको अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता। अल्लाह को कौन अच्छा लगता है, वेरी गुड। चलो अब खेलो नाबिया के साथ। तो मैं एक ब्लॉग शूट करूंगी, मेरी बड़ी बहन आई हुई है, ये बहुत बोलती है। ये मेरी बहन की लड़की है जिससे आप मिले हुए हैं। तो हम वो भी है कल का, अल्लाह तो अच्छे लोगों को ही। सिम्मी को क्या कल क्या कह रही थी आप, कि आपको क्या बनना है, यूट्यूब ग्राफर। कल 17वां रोजा हो जाएगा, पता ही नहीं चले रमजान कहाँ चले गए। और बहुत बुरे हालात हैं, सबके लिए दुआ कर रही हूँ मैं, अल्लाह पाक सब सही रहे। और मैं तो आप ये काढ़ा पीना मेरे, अभी हम काढ़ा पियेंगे, देखो गिर जाएगी। काढ़ा पियेंगे रोज रात को, हम काढ़ा पीते हैं। और बाकी मैं ये जो व्लॉग है ये अब सेम से कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मैं कल का पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्या क्या हम लोग करते हैं, कैसे कैसे इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं। ठीक है, मेरे हाथ दुख रहा है, चलो मैं मिलती हूँ सहरी। ये जो लड़की है ना हमारी, ये बहुत शैतान हो रही है, बहुत ज़्यादा शैतान हो रही है। इधर आओ, ओ मार दिया अप्पो के तुमने, अप्पो को पारू कर दो, पारू करो जल्दी से अप्पो को। हाँ तो गाइज, मैं आज वैसे भी आपको थोड़ी सी डर लग रही होंगी, कैमरा इधर है, क्योंकि मैं अब बिना फिल्टर के वीडियोस बनाऊंगी। मैंने फिल्टर हट आए आए बिना फिल्टर के वीडियोस बनाऊंगी मैं अब। और मैं कह रही थी सहरी में मिलूंगी, लेकिन मैं पहले ही बिल्ली की इनकी ऐसी ऐसी हरकत। इधर आओ आप, अब करो इधर आके, जल्दी आओ। मतलब इतनी दुख में भी ना, इतनी बीमारी में, बस इन बच्चों की वजह से बहुत खुश रहते हैं हम लोग तो। देखो ये क्या हो रहा है। हाँ तो क्या कह रही थी मैं, पता नहीं क्या कह रही थी। हाँ कि मैं सहरी में मिलूंगी और मैं अब मिल गई, क्योंकि ये लोग नाटक करके दिखाओ, इतना के दिखा दो, इतना के। तो बाय कर दो, बोलो अब हम सहरी में मिलेंगे, बोलो अब हम सहरी मिलेंगे, गुड बाय। मेरी खाला के लाइक एंड सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, उस रेड बटन को ग्रे करके। अरे वाह सिमी, ये किसने सिखाया, क्लिक कर देना।
मैंने सिखाया था क्या? नहीं। फिर परी ने सिखाया था? हाँ। मैंने भी तो सिखाया था कुछ सिखाया था मेरी खाला ने भी। चलो फिर हम आप सेरी में मिलेंगे। चलो बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो। बोलो हम सेरी में मिलेंगे, बोलो हम सेरी में मिलेंगे। आप हम सेरी मिलेंगे। जब बहन मेरी आ जाती है तो मैं यहाँ सोती और मैं यहाँ बैठ के बगल में बैठा लाती। मैं सच बताऊँ तो मैं सोई नहीं और बहुत आराम से बात कर रही हूँ, क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए। उठ जाओ सहरी हो गए। लाइट उठो उठो उठो। हेबा का टाइम हो गया, उठो। हेबा के जुगाड़ टेंट लगा के सोती है। उठो उठो उठो, चल उठ। मैं चेंज करूँगी, नीचे चलो खाने पीने का देखते हैं। भाभी को उठाओ। हेबा टेंट के अंदर है, उसमें शीशे में दिख रहा है ना, वैसे टेंट के अंदर। ये हमारी छत है गाइस, जहाँ पे ये बड़े सुकून से सोती हैं। भाभी उठ जाओ, सेड़ी का टाइम हो गया। मम्मी आर यू रेडी फॉर सेड़ी? सेरी खाने के लिए अंकल उठाने आते हैं रोज। ये है तुम्हारा दाल कीमा और ये मेरी सादी दाल वेजिटेरियन वाली, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं भैया। और ये क्या है, ये है क्या मम्मी क्या कहते हैं इसको, शीरमाल, दूध में भीगा हुआ शीरमाल। रोटी, पानी, घी थोड़ा सा जो कि मैं दाल में डालूंगी। हमारे उसूल है, इसको मैंने एक दिन फीका दूध दिया। मैं फीका दूध पीती हूँ, दूसरे दिन पिया नहीं गया ना फीका दूध। आप ही अम्मी ने चाय और अम्मी ने काढ़ा भी बना के रखा सेहरी में। रात को तो दिया नहीं हमें, अच्छा ये राज है। अम्मी ये काढ़ा कैसे बनाया कल बता देना वीडियो में, ठीक है? कल शाम को अम्मी दोबारा बनाएंगी काढ़ा। सेरी हो गई और ये मेरा फेस पैक का ब्रश नीचे से मिला मुझे, इतना मैं ढूंढ रही थी, मेरे कमरे में नहीं था। और ये मैडम सो रही है, अगर ये उठ जाती तो डर जाती। अजान हो रही है, नमाज़ करेंगे अब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला, फजर की अजान हो गई, नमाज भी हो गई।
अब मैं अब्बू के कपड़े प्रेस करूँगी, प्रेस लगा दिए मैंने कल जुम्मे के लिए, और फिर अब्बू जल्दी नहा लेते हैं उठ के क्योंकि, तो मैं आपसे जोहर में मिलती हूँ फिर, मतलब 1:30 बजे के आसपास। हो गई गुड मॉर्निंग, तो बहुत देर से हो गई हमारी। अभी मैं बस सफाई करूँगी, नहाऊँगी, इसको नहलाऊँगी सबसे पहले, इसने अभी अंडा खाया है और दूध भी आया है बहुत मुश्किल से तो अभी हम अन्नु को अंडा खिला के दूध पिला के कर दिया है, अभी इसको नहला के और मैं खुद भी नहा के और रेडी होके मैं आप लोगों से एक सेकेंड में मिलते हैं। अरे 1 सेकेंड में मिलना था ना। आहा, हमारा नुनू भी नहा लिया, मैं भी नहा ली, ये देखो कितना पारा लग रहा है, और मेरा कमरा भी नहा लिया, मेरा कमरा भी साफ साफ हो गया। नुनू नुनू तो पारा लग रहा है नुनू मेरा। चलो मैं जोहर की नमाज पढ़ूंगी, उसके बाद देखेंगे। बाय द वे मेरा रूम एकदम, ये बेडशीट मेरी फेवरेट है, इस बेड बस ऐसे ही रहकर मेरी शक्ल देखते ही रोना आ जाता है इसको, पता नहीं क्या। बस 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 सीधी करो। देखो आपको कुरान शरीफ पढ़ रही है वहाँ पे, और मैं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा नमाज पढ़ने। أشهد أن لا إله إلا الله। कैसे बैठ जाता है ये बच्चा है नमाज पढ़ रहे होता है कोई भी, तो ये आके बैठ जाती है। अल्लाह अल्लाह कर लो, अल्लाह चल, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हिबा, हिबा का नया सूट गाइस, आज के दिन मैं कहीं और होती क्योंकि आज मेरे फ्रेंड की शादी है शिवम की, 30 अप्रैल है आज, और हालात इतने ख़राब हो गए कि हम तो शादी में तो नहीं जाना पॉसिबल है अब, मतलब पॉसिबल क्या, मुझे तो एक दिन पहले ही जाना पड़ता, बहुत दूर है बिसौली, और अब उसकी शादी है आज 30 अप्रैल को, हम नहीं गए क्योंकि कोविड हो गया और इतनी सारी चीज़ें हो गई। शादी में मैं जाऊँगी, आज ही करें शादी शिवम के लिए मैंने एक कस्टमाइज कुछ बनवाया था गिफ्ट, वो भी नहीं आ पाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, पर उसकी शादी में जाने के लिए पूरी पैकिंग कर ली थी, बैग तैयार कर लिया था, सूट सिलवा लिया था मैंने इवन रमज़ान से पहले ही, क्योंकि रमज़ान में आज 17वां रोज़ा है ना, हाँ 17वां रोज़ा है आज, मैंने पहले एक रोज़े से पहले ही मेरी बहन के यहाँ जाके सूट सिलवा लिया था मैंने, लेकिन वो नहीं जाना हुआ, किस्मत में लिखा था ये। इधर आके कुछ कहना चाहती है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ कोरोना के लिए, तो मैंने जो आपको काढ़ा बोला था कोरोना के लिए वो आप जरूर पिएगा और कोरोना से बचिएगा। यहाँ देख के कैमरा पे उसको पी के जरूर बचेगा, और बोलो सबसे कि सब घर पे रहे, सब मास्क, सब घर पे रहे, मास्क पहने, और अगर बाहर जाए तो दो दो मास्क पहने अपने ऊपर, और तो बाहर से आने के बाद क्या करना है, बाहर से आने के बाद हाथ धोने, और घर पे सैनिटाइजर आपको रखना है, और आपको खाना भी खाना है, खाना भी। प्रिपरेशन ऑफ इफ्तार, क्या क्या दोबारा बोलो। एक औरत मार्केट में सौदा ढूंढती फिर रही थी, उसको सौदा नहीं मिल रहा मार्केट में बाहर, ठीक है, उसके पास पैसे भी 30-35 रुपए थे बिचारी के, ठीक है, सोच रही 10-20 रुपए का पपीता ले लूं, 10-20 रुपए के केले ले लूं, लेकिन पुलिस वालों ने मार मार के सबको भगा रखा है,
कहाँ से बेचारी रोती फिर रही है, भिगोती फिर रही है, बहुत परेशान है। अम्मी का मतलब है परेशानियों का टाइम है, कहाँ से खाना बनाओ, कहाँ से अफ्तियारी बनाओ। वो ये कह रही थी कि हम अफ्तियारी इतनी बना लेते हैं जो खाना ना खाएं, और सहेली में थोड़ा बहुत खाना खा कर रोजा रख रहे। पुलिस वालों मतलब लोग बहुत ज्यादा परेशान है, फैल रहा है तो फैल ही रहा है, लेकिन पुलिस वाले बहुत मौका उठा रहे। तो अम्मी लोगों से कुछ कहना चाहोगी कि अपने घर में रहो ताकि परेशानी जल्दी से निकले, और ये लोगों जो लोग रोज कमाते खाते हैं उनकी परेशानियाँ कम। परेशानी पड़ रही है, यही कहना चाहूंगी, अपने अपने घरों में रहो। तुम्हारे घर में कोई भी समझदार बंदा है, डबल मास्क लगा के निकलो और फटाफट सौदा खरीदो, मोल भाव भी मत करो, स्टैम्प जल्दी जल्दी खरीदो और अपने घर आओ। मैंने जो रोल बनाए थे उबाल के यहाँ मैश कर लिए हैं। अभी मैं इसमें क्या डालूंगी, ये है सोयाबीन, सोयाबीन कहते हैं ना, सोयाबीन उसको मैंने बॉईल करके ना अच्छे से पीस लिया है ग्राइंडर में। आलू मैंने ये डाल दूंगी, इसके मैं सैंडविच बनाऊंगी आधे के, और आधे के मैं समोसा रोल बनाऊंगी। ये इसमें ऐड करने के बाद कुछ भी नहीं है ज़्यादा, बस हरी मिर्च डालूंगी बारीक करके, हरी मिर्च इसमें, और इसमें मैं डालूंगी प्याज। ठीक है, ये प्योर वेज है, कोई नॉन वेज नहीं है। ठीक है, बाकी इसमें मैं डालूंगी कम नमक वगैरह, क्या हाँ तो मिर्च और नमक डालूंगी तो कम रह जाएगा। मैं उसके बाद ठीक है इसको बस मैं मिक्स कर दूंगी, और आटा जो मैं भूनूंगी उसको भी मैं दिखाऊंगी। तो मैं आटे के लिए जल्दी से दिखा रही हूँ। आटा के लिए मैंने मैदा ले लिया यहाँ पे, और इसमें मैं घी डालूंगी, अपने हिसाब से डाल लूँगी भैया, मैं क्वान्टिटी नहीं बता रही। मैंने पचास ग्राम, और इसके बाद मैंने ये अजवाइन लिया और नमक लिया है, बस ठीक है ना। दोनों चीज़ें से डाल के बस इसे पानी से गूंद लेना है, और मैं बाकी रोल जब बनाऊंगी आप लोगों को एक दिखाऊंगी। मैंने आप देखो अम्मी इसको बेल रही है, इतना पतला जो हमने गूंदा था। और अब इसको ना मैं कट करके एक दिखाऊंगी, और इसमें मैं धनिया डालना भूल गई थी, धनिया डलेगा इसमें अभी। तो अभी मैंने अम्मी ने ये पतला बेल लिया, इतना जितना पतला हो सके उतना पतला करके ये आटे का। इसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, जो धनिया नहीं डाला था इसमें। अब इसका ना हम इसका हम ऐसे करके रोल बनाएंगे, ऐसे सिंपल कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे करके एक ऐसे बनाना है। और अब आटे का ना हमें पतला सा पीस काटना है, और ऐसे करके ये पट्टी इसको हम ऐसे करके रोल कर लेंगे इसमें। और ये आटे का मैंने घोल बनाया, पानी और आटा मिला के इसको यहाँ पे एंड में लगाऊंगी मैं, और इसमें बस ये रोल कर दूंगी। ये हो गया हमारा समोसा रोल रेडी, और इसको इसके एंड पे भी लगाऊंगी थोड़ा सा ये आटा, और इसको यहाँ पे बंद कर दूंगी ताकि ये चिपक जाए। ठीक है, तो ये समोसा रोल, बाकी ये डीप फ्राई होंगे ऑयल में। असर की नमाज पढ़ ली है, और नीचे सब इफ्तार की तैयारी होगी। भाभी अब बिरयानी बनाने लग गई हैं, क्योंकि अब मेरी बहन जा रही है, आज चली जाएगी। तो थक गई बहुत ज़्यादा थक गई, क्योंकि मेरे लंग्स में सूजन की वजह से ना मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दर्द कर रहा है, कुछ ज़्यादा काम मैं नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। हाँ गाइस, मैं आपको रोज़े में हूँ ऑब्वियसली, और अब भी वो गाने का मेरा मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। एक अभी नात आई है, सॉन्ग आया है रमज़ान का, न्यू 2021 का, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था, तो बड़ा अच्छा मौका है उसको सुनाने का। दो लाइन सुनाती हूँ मैं आपको, है ना। रोजे में खुश्क होठों पे कांटे हैं प्यास के, उठते हैं दिल में वलवले जन्नत की आस के, एक फांस भी गुनाह की रह जाए न तन में, यानी हसद बुगज की एक बू न हो मन में, किरदार करके आईना रोजा रखेंगे हम, अपने हर एक गुनाह से तौबा करेंगे हम। था जिसका इंतजार वो मेहमान आ गया, बख्शिश का सबकी दोस्तों समान आ गया, रमजान आ गया है कि रमजान आ गया, रमजान आ गया है कि रमजान आ गया। मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, मैंने अपने इंस्टा पे भी डाला था। अभी मुझसे नहीं गाया जा रहा, उस समय तक तो मैं ठीक थी, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है, लंग्स की वजह से बहुत दुख रहा है, मेरा सीना में बहुत दर्द है, सुराइनो इधर उधर हो गए। बट अभी एक बड़ा अच्छा मौका था ना कि मैं रोज़े में भी हूँ और आप लोगों को मैं ये सुनाती।
तो अभी इफ्तार करेंगे। फोकस हुआ है। तो ये है वो रोल जो हमने बनाए थे इफ्तार में। इसे मैंने वापस भी आलू भरे क्योंकि आलू निकल जाते हैं इसमें कभी कभी। खैर ये रोल बहुत अच्छे बने और सबने बहुत शौक से खाए इफ्तार में। बात मत दियो, मेरी बहन इल्मा नहीं आती ब्लॉग में, मैंने ये बात बता दी देख। हाँ तो अब क्या हुआ ही वह बताएगी। हमने इफ्तार किया, उसके बाद हमने मौज करी, मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद फिर इशा की अजान भी हो गई, इशा की नमाज भी हो गई और मैं बाहर गई दूध लेके आई, फिर मैं डॉक्टर से अपनी दवाई भी लेके आई और मैं शहरी में दवाई खाना भूल गई थी। ये बात मैं अब्बू को नहीं बताऊंगी, अब्बू ब्लॉग देखेंगे। आज का दिन बहुत हेटेक भरा और थकावट भरा गया पर अच्छा लगा, मज़ा आया। और गाइस जो वो है ना काढ़े की रेसिपी वो मैं अब नहीं बता सकती, थक गई मैं। मैं थक गई अब। तो एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि काढ़ा कैसे बनाया था। मैंने अदरक डाली थी उसमें कूट के भर के और दालचीनी अजवाइन लौंग इलायची काली मिर्च उसको अच्छे से बॉईल करके और हमें दे दिया था बस। और अभी मेरी चाय रोज़े के बाद, वैसे मैं चाय पीती नहीं हूँ, अम्मी पीती हैं चाय, तो अम्मी ने बनवाई थी मुझसे चाय अभी मैं जब दवाई लेके आई, तो ये चाय मैं भी ले आई थोड़ी सी, मेरा मन कर रहा था कि चाय पीऊँ मैं। अब मैं थोड़ी सी चाय पीऊँगी और आप ही जो होगा आप ही जो है चली गई मेरी घर अपने, और बस सिम्मी की याद आ रही है मुझे। सिम्मी हाँ जब बच्चा होता है ना घर में और जब नहीं होता वो चला जाता है तब याद आती है। वैसे नहीं होती, वैसे भी आती है। वो कह रही है फिल्टर लगा वीडियो में, बट अब तो हम नेचुरल आएंगे। हाँ तो गाइस चलो खैर अब मुद्दे की बात करते हैं। क्या प्लीज प्लीज सब लोग घर पे रहो और अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, बस मैं यही कहना चाहूंगी। और अब मैं चाय पीऊंगी और खुश रहिए। खुश रहना सबसे बड़ा इलाज है हर बीमारी का, कि खुश रहें। जितना आप खुश रहेंगे चाय पीजिए अच्छी सी बना के हल्की चीनी की, मैं आज पी रही हूँ, इसमें अदरक डाला है और इलायची लौंग और काली मिर्च डाला है, इसीलिए मैंने अम्मी के लिए बनाई थी। अब मैं चाय पीऊंगी बस, उसके बाद टाइम देख लो आप हो गए हैं क्या बज रहा है, 10 बज गया। और मैं क्या करती हूँ इसके बाद, अब मैं एक फेस पैक लगाती हूँ। मैं फेस पैक लगा के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत मैसी हो जाएगा और मैंने ये सूट पहना है अपना, तो मैं इसमें बिल्कुल भी फेस पैक लगा के नहीं दिखाऊंगी। अगर आपको वो फेस पैक जानना है कि मैं लेकर आई, उठा के मैं दिखाती हूँ। नहीं जानना है तो कमेंट करिए, उसकी अलग से वीडियो वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, ठीक है। स्किन मेरी ग्लोइंग स्किन का राज, तो वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको चाहिए मैं भी बस एक बार दिखाती है। वो छोटा सा फ्रिज है मेरे रूम में जिसमें अपने स्किन केयर का सामान रखती हूँ और थोड़ा बहुत, अब्बू का कमरा सामने है तो अब्बू कभी भी भूख लग जाती है तो मैं कुछ भी निकाल के फ्रूट्स वगैरह और जो भी है वो दे देती हूँ, तो इसलिए छोटू सा फ्रिज मेरे रूम में भी रखा है। ये लिया, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं फेस पैक लगाऊंगी इस खोल के। मैं ऐसे बना के रख लेती हूँ इसको, फोकस हाँ मैं इसको ऐसे बना के रख लेती हूँ और इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला के और अपने फेस पे लगाती हूँ। जो मैं ब्रश दिखा रही थी ना वो इसी के लिए था, तो ये लगाऊंगी मैं। और रात में बस अब्बू को मैं दूध देती हूँ, रात को हिबा को इल्मा को अम्मी को सबको, मतलब मैं गर्म करके दूध देती हूँ रात को। उसके बाद हम सोते तो नहीं है ना, हम सोते नहीं हैं हम लोग, फिर शहरी में शहरी करके फजर की नमाज पढ़ के सोते हैं। ऐसे तो नहीं, मैं तो सो जाती हूँ। तो मैं नहीं सोती ना, और कभी कभी नहीं सोती ना, मैं इसलिए कह रही थी कभी कभी नहीं सोती ही भाभी। आज का दिन बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है कि ये व्लॉग कंप्लीट हुआ।
मैं तो सोच रही थी पता नहीं मैं कर पाऊंगी क्योंकि नहीं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बट अल्लाह का शुक्र है अब मेरी तबीयत ठीक है और मैं चाय पीऊंगी। अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना और अपना सब लोग अपना ख्याल रखना, कमेंट करके बताना कि आप लोग आपके यहाँ हालचाल कैसे हैं और खुश रहिए, जितना आप खुश रहेंगे हर बीमारी का इलाज है खुशी। चाय पीजिए मेरी तरह और इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। मैं मिलती हूँ फिर अगले व्लॉग में जब भी आएगा या कोई भी गाना या कुछ भी। आज 17वां रोज़ा कंप्लीट हो गया, चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।